नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्री एग्जाम पास में। मैं राहुल वर्मा, यहाँ पर दोस्तों हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं UP SSC एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का जो रिजल्ट है, उसमें जो रिजल्ट विभाग ने घोषित नहीं किया है उसके लिए जो लखनऊ पिकअप भवन में धरना होने वाला है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता देंगे, अगर आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम से मिल सके। दोस्तों मैं इस चैनल पर सभी और एक्यूरेट जानकारी टाइम से प्रोवाइड कराता हूँ। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों के काफ़ी कमेंट आने के बाद मैंने देखा, और काफ़ी दिनों से मैं लाइव नहीं हो पाया, नहीं कोई वीडियो अपलोड की, तो कमेंट के अनुसार पता चला कि कल 27/11/2019 को लखनऊ पिकअप भवन में धरना होने वाला है। दोस्तों तो मैंने सोचा कि जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की इसमें मैंने धरने की बात कही थी, जिसमें काफ़ी लोगों को कमेंट देखे और उसी के अकॉर्डिंग मुझे पता चला कि कल धरना है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से जिन लोगों ने मेरे चैनल को देखा है या जो मेरे चैनल को कंटिन्यू विजिट करते रहते हैं, उन लोगों को मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि कल लखनऊ पिकअप भवन में धरना है, तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी संख्या में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को लेकर आएँ जिन्होंने एग्रीकल्चर TA का फॉर्म फिल किया है या जो लोग नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उन लोगों को भी लेकर आएँ, क्योंकि कल जो धरना होने वाला है उस धरने को सफल बनाने के लिए ज़्यादा संख्या में होना आवश्यक है, और अगर हम सभी लोग रिजल्ट टाइम पर चाहते हैं तो। जैसा कि काफ़ी लोगों के कमेंट के अनुसार पता चल रहा है कि इस बार बहुत बड़ा धरना होने वाला है, तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और धरने को सफल बनाएं, ताकि हम लोगों का रिजल्ट अगली बार हम लोगों को डेट ना मिले और हम लोगों का टाइम पर रिजल्ट घोषित हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, टाइम से मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दी है। धन्यवाद दोस्तों।